بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان على تقوى والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان بہت رحم کرنے والا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً اور باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ طہارت شعار لوگوں کو پسند فرماتا ہے بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا اور خوشنودی پر رکھی بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے سو وہ عمارت اس معمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا صدق اللہ العظیم کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے اللہ
अकबर अल्लाहु अकबर, देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम दे खुदा से तर दे जवाने, हम दे खुदा से तर दे जवाने, कानों में रस घोलती है रजाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत तुझको खुदा ने, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, ए हजरे असबद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ए हजरे असबद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, और दे कभी मैं हरम को, और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लाया मेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखो तो देखे अल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इमरान अब्बास अपनी तरफ से और जवेरिया सऊद की तरफ से और पूरी अहद रमज़ान की टीम की तरफ से आपको आज 16 रमज़ान अल मुबारक के अहद रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का दिन इस ट्रांसमिशन के हवाले से बहुत अहम इसलिए है कि आज यूँ तो हज़रत आयशा सदीक़ा का यौम विसाल 17 रमज़ान मुबारक है, लेकिन क्योंकि 17 रमज़ान मुबारक को दो अहम वाक़यात हुए थे, एक ग़ज़वा बद्र और दूसरा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल,
तो आज का दिन अहद रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में हम तफसीलन जिक्र करेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के ऊपर। जनाब, उनकी शान में क्या कहा जाए? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो थीं जिनके हुजरे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया, आप जिनको रसूल पाक ने सिद्दीक़ा का लक़ब दिया, आप जिनके वालिद जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जो अपने इल्म और हदीस के हवाले से तारीख में एक अहम तरीन हैसियत रखती हैं। बिल्कुल, और हम सब ख़वातीन जो कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और जो कि देख रही हैं और जो नहीं भी देख रही हैं, तमाम मुस्लिम ख़वातीन को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनकी क्या कहना चाहिए कि उनकी पूरी ज़िंदगी अगर हम देखें तो वो सिर्फ़ एक अच्छी ज़ौजा ही नहीं थी, एक अच्छी इंसान ही नहीं थी, वो दीनी मालूमात रखने वाली ऐसी खातून थी कि कहा जाता है कि दीन का एक तिहाई हिस्सा वो जानती थी। यानी कि अगर चार हिस्से दीन के किए जाएं तो एक हिस्सा उनके हिस्से में आता है। वो इतनी ज़्यादा ज़हीन थी कि हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उनसे जो है फैसले लिए जाते थे, उनसे फतवे लिए जाते थे। वो बड़े बड़े जो परे लोगों के मसाइल होते थे, दीनी मसाइल, बड़े बड़े दीनी मसाइल उनको हल किया करती थी। यानी कि एक खातून को ये शर्फ़ हासिल है। उनको हाफ़ज़ा का लकब भी दिया गया क्योंकि उनको 2210 अहादीस जो है वो हिफ्स थी, 2210 अहादीस उनको हिफ्स थी। उनको ये शर्फ़ भी हासिल है कि ग़ज़वा बदर के मौके पर उनकी रिदा को जो है इस्लामी परचम बनाया गया, उनको ये शर्फ़ भी हासिल है। और वो हमेशा कहा करती थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे तो बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो अन्हा को वो कभी नहीं भूलते। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हर वक्त बात करते हैं, हर वक्त उनके ज़ुबान पर उनका बयान होता है। और वो कोशिश करती थी कि वो भी इतनी ही अच्छी ज़ौजा और इतनी अच्छी मुसलमान बनकर उनको दिखाएं। क्या हम लोगों के अंदर, हम लोगों में क्या उनकी एक भी सिफ्त मौजूद है? क्या हम अपने आप को, अपने किरदार को देखें? क्या हम उनकी बताई हुई या उनकी दिखाई हुई ज़िंदगी पर चल रहे हैं? क्या हम, हमारे अंदर इतना ज़र्फ़ है जो कि उनके अंदर था? क्या हमारे अंदर इतना इल्म है? वो तो लोगों के फ़ैसले किया करती थी, वो तो लोगों के दीनी फैसले किया करती थी। क्या हम अपने ही ज़िंदगी में, अपने ही ख़ानदान में, अपने ही लोगों के फ़ैसले कर सकते हैं? क्या हम में इतना इंसाफ और इतनी तालीमात मौजूद हैं? नहीं है। तो एक दफ़ा पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को खोल के पढ़ें कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या फ़ैसले किए, क्या क्या मार्के किए हैं। उनकी ज़िंदगी हमारे सामने है। काश अल्लाह पाक हम तमाम ख़वातीन को ये तौफीक दे कि हम उनकी ज़िंदगी पे चलने की कोशिश ही कर सकें। वो थी कि जिनकी पाक दामनी का अल्लाह पाक ने खुद वही के ज़रिए इकरार किया। सूरह नूर में उनकी पाक दामनी के ऊपर एक आयत जो है वो नाजिल फरमा दी गई, जो कि ता कयामत, बल्कि कयामत के बाद भी, हशर तक भी तिलावत की जाती रहेगी। तू है खातून जन्नत, तू है खातून जन्नत की माँ हज़रत आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ हज़रत आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकद्दस का है गवाह खाली के दो जहाँ। सूरह नूर में है जिनका तस्करा, है उसी नूर की कहकशां हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जी, आज जैसे कि बताया अभी इमरान ने कि हम आज सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के की ज़िंदगी को लेकर चलेंगे। उनका विसाल 17 रमज़ान को हुआ, लेकिन चूंकि ग़ज़वा बदर भी उसी दिन हुई तो हमने सोचा कि हम इसको दो हिस्सों में कर लें। आज हम उनकी ज़िंदगी पर बात करें, उनकी तालीम पर बात करें, और कल जो है हम ग़ज़वा बदर पे बात करें। ऐसी हस्तियां हैं जवेरिया के, इनकी अगर हम तारीफ में या इनके शान में अगर अपने शो शुरू कर दें तो हमारे शोज़ ख़त्म हो जाएं, लेकिन इनकी तारीफ और इनका, इनकी जो शान और इनकी जो खसूसियात हैं वो ख़त्म ना हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पे कम से कम हम रोशनी ज़रूर डाल सकें आज, यानी 16 रमज़ान मुबारक को। तो आप देखते रहिएगा अहद रमज़ान। बिल्कुल। इस वक्त असद अय्यूब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, सॉरी जी, बस एक चीज़ कहना चाह रही थी कि हम इतनी चीज़ें तो उठा सकते हैं हज़रत आयशा की ज़िंदगी से कि वो ज़्यादातर रोज़े से रहा करती थी, रोज़ रमज़ान ना भी हो तो भी नवाफिल बहुत अदा करती थी।
और सबसे ज़्यादा जो चाश्त की नमाज़ जो कि शायद हम लोग अपनी ज़िंदगी में रमज़ान में ही शायद पढ़ते हैं, चाश्त की नमाज़ पढ़ा करती थी। तो जी असद अय्यूब मुझे देख रहे हैं, जी असद। खुला है सभी के लिए बाब जाने वाली वो दरबार सच मुझ में। जो ना होता तेरा जमाल ही ये जहां ख्वाब ख्याल ही। सल्लू अलैहि वालिहि, सल्लू अलैहि वालिहि। जो ना होता तेरा जमाल ही ये जहां था ख्वाब ख्याल ही। सल्लू अलैहि वालिहि, सल्लू अलैहि वालिहि। Thank you.
खूबसूरत नात और बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत जज्बा। बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल इस दुरूद को जितने भी लोगों ने पढ़ा, जितने भी नातखानों ने पढ़ा, हर किसी ने एक अपने ही अंदाज से, और भी आप, मैंने थोड़ा सा देर पहले सुना कि आप भी इसको अपनी आवाज़ में, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हम भी आपसे आज अकल ये वाली दुरूद है ज़रूर। जनाब हमारे साथ, मैं एक बात करना चाहती हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सूरतें जो तिलावत की गई हमारी, इसके बारे में कुछ अर्सा पहले इन सूरत के बारे में, सूरह तौबा की जो आयात हैं इनके बारे में, चूँकि मैं पहले कुरान पाक की तफसीर पढ़ा करती थी और मैंने 3 साल पढ़ी है, तो वहाँ पे कुछ अर्से पहले हमें ये, हम जब बैठ के उसके ऊपर डिस्कस करते थे, तो ये डिस्कस हुआ कि सूरह तौबा की ये आयात, यानी कि 109 और 108 पढ़ी गई, मैं 109 की बात करती हूँ, कि सूरह तौबा जो है नवी सूरत है और ये 11वें पारे में है और इसके अंदर 2001 अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं। तो हमने ये डिस्कशन किया था कि 9/11/2001 जो है वो इस आयत, इस सूरत की इस आयत से बहुत ज़्यादा मैच करती है, कि जैसे सूरह तौबा 9 पारा नंबर 11 2001, इस सूरत में 2001 वर्ड्स हैं और जिस बिल्डिंग के जिस फ्लोर पे स्ट्राइक किया गया था वो 109 बिल्डिंग का जो फ्लोर था वो 109 था। और इसमें जो तर्जुमा अभी इमरान ने किया, उस तर्जुमे के हिसाब से मैं वर्ड ब वर्ड तो मतलब अल्फाज के साथ तो नहीं कर सकती, उसका यही है कि और वो इमारत जो उन्होंने अपने हाथों से तामीर की थी, दार जहन्नुम में गिरा दी जाएगी और वो हैरान हो जाएंगे कि जो इमारत उन्होंने अपने हाथों से तामीर की वो कैसे इस घाटी में गिर गई। और उनमें वो लोग जो कि अल्लाह की राह में थे उनको अल्लाह इसका अजर देगा, और जो गुनाहगार थे उसको, उनको अल्लाह खूब जानता है, बेहतरीन फैसला करने वाला है। मैं इस बारे में भी आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, कि क्या ये वाकई 9/11/2001 के वाक़े से बिल्कुल मैच करती हुई आयात है, क्योंकि उस ज़माने में हमने इस पर बड़ा डिस्कशन लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिल करीम। आपने सूरह तौबा की आयत से मुतल्लिक बात की है, तो यकीनन कुरान करीम के अंदर देखा जाए तो अजायब और गरायब हैं और वो तो क़यामत तक एक्सप्लोर होते रहेंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं कि जमीउल कुरान इल्मी फिल कुरान लाकिन तकासरान व फाम रिजाल। कुरान करीम तमाम उलूम व फ़नून की जामे किताब है लेकिन लोगों की अक़ल इसके समझने से कासिर। तो अच्छा, अगर इसका पस मंज़र देखें तो यकीनन इसको रिलेट करना भी आसान हो जाएगा। असल में ये जो प्रोपेगेंडा हाउस था एक मस्जिद ज़रार का, जिसको लक़ब दिया गया है, कि बुनियादी तौर पर यहाँ पर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से उसको इंडोर्समेंट देनी थी कि भाई मुसलमान यहाँ पर आएँ, क्योंकि रसूल एक दफ़ा जब आके तशरीफ़ ले जाएंगे तो लोग आएंगे, फिर उनको वहाँ पर मिसगाइड किया जाएगा, उनको इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस नस्बत से ये सारा मामला था। तो लेकिन देखा जाए तो वो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से बता दिया कि प्रोपेगेंडा हाउस है, आपने यहाँ नहीं जाना है और ये इस्लाम और मुसलमान के ख़िलाफ़ साजिशों का गढ़ बनने वाला है, तो इसलिए गिरा दिया गया उसको।
तो इसी तरह तनाजुर में हम बात करते हैं, यकीनन जहाँ भी इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ साजिशें होंगी और सबसे बढ़कर अल्लाह के प्यारे हबीब के हवाले से, उनका मामला तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन आज़ा नहीं फ़कत आज़ा अल्लाह, मन आज़ा अल्लाह यूशिक नहीं आखुज़ा, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी अल्लाह उसको पकड़ लेगा। तो जो इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करेंगे तो यकीनन वो इबरतनाक अंजाम से दो चार होंगे, वो कभी भी पनप नहीं सकेंगे, कभी भी वो फल फूल नहीं सकेंगे। ये भी कहते हैं ना कि कुरान पाक में निशानियां हैं, अगर हम गौर करें तो हमें नजर, जैसे जो हम सबसे पहले जो जहाज़ बनाया गया था जंगी सलत जी, उसको कहते हैं कि जी सलत का, जो कहते हैं कि जी सलत के जरिए तुम आसमानों पर पहुंच सकते हो, मगर सलत के जरिए, तो वो सलत जो उसका निशान जिस तरह के तीर होता है जी, जी, उसी तरह का वो जाएगा। कुरान में ताला ने फरमाया वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबू वज़ीना, घोड़े गधे खच्चर, या ताला ने तुम्हारे लिए जीनत और सवारी का सामान पैदा किया। आगे फरमाया वयखलुकु मा ला तालमून, और बहुत सारी सवारियां ताला ऐसी पैदा फरमाएगा जो अभी नहीं जानते। अब देखें जो साइंस ने तरक्की की है, सुपरसोनिक तैयारे बना लिए, रॉकेट बना लिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वक्त जो कुरान नाज़िल हुआ उस वक्त तुम नहीं जानते, लेकिन आज देखें जब इंसान ने ये उरूज हासिल किया है तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, ये अल्लाह ताला इंसान को सलाहियत देगा कि इंसान चांद पर पहुंचेगा और इंसान ऐसी सवारियाँ तैयार करेगा। बिग बैंग थ्योरी, इस तरह कितने सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो आज 1400 साल बाद साइंस दरियाफ़ करी है, लेकिन अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ये हम अभी जब बड़े हुए हैं जब हमें ये बात पता चली कि यानी कि इससे पहले तक तो साइंस यही कह रही थी कि पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, लेकिन कुरान शरीफ में लिखा हुआ था कि पहाड़ जो है वो अपनी जगह से हरकत करते हैं। थ्योरीज हैं वो तो कॉन्ट्रडिक्ट एक दूसरे को ही करती रहती हैं, आज जो कह रही है वो शायद कल ना कहे और फिर दोबारा उसकी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है, लेकिन सूरज के हवाले से जो एक मुसलमा हकीकत है वो तो हशर तक के लिए बिल्कुल कुरान के जो है फैक्ट्स वो कांस्टेंट फैक्ट हैं, उनके अंदर कोई तब्दीली रोनमा नहीं होती। बाकी उम्मीद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से आप लोगों ने गुफ्तगू की, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, बहुत प्यारे अल्फाज से बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ आप लोगों ने तस्करा किया, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इल्म में अमल में बरकत दे। तो मैं भी अपना सिर्फ हिस्सा मिलाना चाहूँगा कि उनकी फजीलत के लिए ही बात काफ़ी है कि जब मुनाफिकीन ने उन पर तोहमत लगाई तो आप देखिए ये 70 आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई और वो क़यामत तक पढ़ी जाती रहेंगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर जो तोहमत लगाई गई तो एक शीरख्वार बच्चे से गवाही दिलवाई गई। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर जब तोहमत लगाई गई तो उनके साहबजादे उनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से गवाही दिलवाई गई, और इनके लिए जो है वो अल्लाह ताला ने खुद जो है कुरान करीम में आयत नाज़िल फरमाई, चूँकि असल में घराने नबूवत है, चूँकि रसूल का मामला है जो सैयदुल अंबिया अल मुरसलीन नबी आकर जमा है, तो इस घराने पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने खुद गवाही दिलवाई। और मोहब्बत के वाले से अगर हम बात करते हैं, जो इनकी जो मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से खुद मोहब्बत फरमाया करते थे और फरमाया करते थे, आयशा को तमाम लोगों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे सुरीद खाने को तमाम खानों पर, चूँकि रसूलुल्लाह का ये खाना बड़ा मरगूब था जिसमें जो है वो रोटी साले में भिगोई जाती है, जूद हजम होती है और वो खाना बड़ा जायकेदार होता है। मैंने सुना था लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि लफ्ज़ क्या है। सुरीद होता है, इसमें बेसिकली शोरबे में रोटी को भिगो के खाया जाता है जिससे वो जूद हजम होता है, खाना हजम हो जाता है, और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से हम बात करते हैं उस पर जो है ना बोझ भी नहीं होता और मैदा जो है अपना अपना काम करता रहता है, और ये रसूलुल्लाह में बड़ी मरगूब थी गजा, तो वो आपने फरमाया कि जिस तरह उस खाने का फजीलत इस तरह आयशा को फजीलत हासिल है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मोहब्बत के हवाले से, मैं बात करना चाहूँगा अल्लाह ताला जितने भी रिश्ते इज़दवाज में लोग मुंसलिक हैं उन सब में इस तरह की मोहब्बत पैदा फरमाएं। वो फरमाती हैं कि मेरी खसूसियात में से खसूसियत ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो रहा था तो उस वक्त आपका सर अक़दस मेरी गोद में था, और आप जब हुजरे में होते तो उस वक्त भी वहीं नाजिल होती थी। तो वो फरमाती हैं कि लना शमसन वाले लाफा की शमसन, इससे पता चलता है अल्लाह ताला ने आपको इल्म में, अदब में, फ़िक्ह में, तफसीर में जो महारत, शेर व शायरी में जो कमाल अता फरमाया। अरब के इस दौर के हवाले से हम बात करते हैं, कितनी प्यारी बात है, लेकिन फरमाती हैं लना शमसन वाले लाफा की शमसन व शमसी खैर मिन शम्स समाई, एक दुनिया वालों का सूरज है और एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज दुनिया वालों के सूरज से बेहतर है। फशमसुन नासी ततलू बाद फजरन व शमसी ततलू बाद अलिशाई, लोगों का सूरज वो सुबह फजर के वक्त होता है, मेरा सूरज है रात को इशा के बाद जब रसूल हुजरे में तशरीफ लाते उस वक्त। सुभान अल्लाह। फरमाया लवाही ज़ुलैखा लो रही नजबीन उलासन बिखतल कुलूब अल यदी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो ज़ुलैखा जो थी अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी थी उसको जो तोहमत लगी उसकी मलामत गर सहेलियों ने, तो उसमें आपने देखा कि वो उसने उनकी सहेलियों को जो बुलाया था बताने के लिए कि भाई ये इनका मामूली हुसन नहीं है, तो उन्होंने अपने जो है वो देखा जाए तो वो हाथ काट लिए थे छुरियों से, तो उस पर अगर आयशा फरमाती हैं कि अगर वो ज़ुलैखा की मलामत गैर सहेलियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो वो अपने कलेजों को काट लेती। रसूल का हुसन तो ये था, चूँकि आप तो जामे सिफात है ना, तमाम ये के कमालात आपको अता किए गए। बहुत खूबसूरत बात की, और छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा, देखते रहिएगा अहद रमज़ान। जी सर,
जनाब एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद अहद रमज़ान में। अहद रमज़ान का ये सेगमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मौसूम होता है किसी सेलिब्रिटी के नाम से। हमने थोड़े दिन पहले भी ये जिक्र किया था जवेरिया के हमारे इंडस्ट्री में अब माशाल्लाह जो लड़के रूल कर रहे हैं और जो लड़के नए भी आ रहे हैं और जो थोड़े से पुराने भी हैं, हम सब माशाल्लाह अब एक ऐसी फैमिली से भी हैं जो पहले भी थे, लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे लड़के जो पढ़े लिखी फैमिली से आ रहे हैं, खुद बड़े अच्छे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई MBA है, और माशाल्लाह ये सारे के सारे जो लॉट है ना, ये पूरा का पूरा स्क्रीन का जो हमारा एक एनवायरनमेंट है, ऑन स्क्रीन भी चेंज कर रहे हैं और ऑफ स्क्रीन भी। अब जिस एक्टर को मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ वो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और बहुत मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सी हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं उनके राजदार भी हैं, इसलिए कहते हैं सर्जन भी हैं। जी हाँ, सर्जन भी हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी हैंडल किया है। और हम समझते हैं कि शायद जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत खुश मिजाज होते हैं और शायद उनका ज़िंदगी की इन रंगीनियों से कोई ताल्लुक नहीं होता जिसे हम मीडिया या एक्टिंग या लाइमलाइट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारे जो एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, ना सिर्फ वो एक बहुत अच्छे एक्टर और मॉडल हैं बल्कि उनकी जो अहलिया हैं वो भी एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं और ये भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं दावत दे रहा हूँ इस वक्त फहद मिर्ज़ा को। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर कमिंग ओवर यार। इतनी टाइट स्केड्यूल में इधर डॉक्टर आप हैं, इधर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्लिनिक जा रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, मॉडलिंग, मतलब कुछ छोड़ा? एक ही जिंदगी मिलती है, एक ही जिंदगी मिलती है, लिमिटेड द फुलेस्ट। अच्छा बात ये बताएं कि बेगम को देख के शौक हुआ था एक्टिंग का और मॉडलिंग का, या पहले से ही था? तो एक्टिंग मॉडलिंग हम दोनों ने एक्चुअली एक साथ ही शुरू की थी। अच्छा। बिकॉज जब मैं डाउन मेडिकल कॉलेज के फोर्थ ईयर में होता था और सरोद इंडस वैली में होती थी, हम तब एक दूसरे को तब से जानते थे। मॉडलिंग का हमेशा से बचपन से हीरो समझता था अपने आप को, हीरो बनने का शौक था। तो सरवत फोटोग्राफी करती थी तो उसने मेरी तस्वीरें खींची और हमने उसको डेवलप कराई और एक फोटोग्राफर पास रखवा दी। अच्छा। एंड देन आई जस्ट सडनली गॉट अ कॉल और उसके बाद से शुरू। वो मरीना खान और राहत काजमी साहब के साथ एक प्ले था, उसके लिए उन्होंने मुझे ऑफर किया और सरवत का भी उसके ही राउंड अबाउट उसका भी शुरू हुआ था उसे थोड़े अरसे पहले। फिर आप मेरे ख्याल अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने लगे और उसके बाद अब आप दोबारा बकायदा जो है कदम रखे। मेरी एक्टिंग करियर का अलमिया ये रहा है कि मैं एक प्ले करता हूँ जो कि सुपर हिट हो जाता है, फिर बिकॉज लोग कहते हैं, मैं अभी कह रहा हूँ ना 5-6 साल बाद, उस वक्त थोड़ी कहता था मैं। सच मुझे याद है माया के साथ मैंने प्ले किया शनाख्त, उसके बाद माया का ग्राफ वहाँ चला गया, मैं हॉस्पिटल चला गया। लेकिन ये बड़ी बात है और आप देखने वालों के लिए मिसाल हैं, जो लोग भी एक्टिंग के और मॉडलिंग के शौकीन लोग हैं, जो चाहते हैं, जो न्यू कमर्स आना चाहते हैं, वो पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, तालीम पे ध्यान दें और अगर उससे टाइम मिले तो ज़रूर करें और उसके बाद जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें तो बाकायदा आ जाएं, जैसे आप आ गए और दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, मुझे बहुत सारे सरवत को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सरवत और मेरा ऑन स्क्रीन हम बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे, लेकिन हमारा एक बड़ा अच्छा एक बहुत अच्छा पेयर था। एंड शी इज सच अ डार्लिंग। जब उसने बीच में एक्टिंग छोड़ी थी तब भी और हम हर वक्त कॉन्टैक्ट में रहे और वो इतने अच्छे दिल की माशाल्लाह, एंड यू आर माशाल्लाह परफेक्टली मेड फॉर ईच अदर। और सरवत कि दिल में तुम्हारी इतना प्यार है, इतनी इज्जत है, बड़ी प्यारी दोस्त है। जब भी वो इमरान के बारे में बात करती है इतने प्यार से माशाल्लाह बात करती है, जब भी उसको दूर से इमरान नजर आता है ना, दूर से इमो, हाँ मेरा उसका ऐसा ही है, बिल्कुल वी आर लाइक बडीज और माशाल्लाह वो इतनी अच्छी दिल की लड़की है। पहली दफा जब मैंने दुआएं करती है उसके लिए, हां पहली दफा आई थिंक राहत के कॉन्सर्ट पे कोई हुआ था, उस पे शी सॉ यू फ्रॉम अफार एंड दूर से, एंड मैं उसके साथ था, एंड यू नो सो प्यार नजर आता है, प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट, यू नो। अच्छा, अक्सर मुझे लोग ये, जिस तरह जवेरिया ने बात की कि लोग नए लड़के लड़कियां फोन करके कह रहे होते हैं हमें एक्टिंग का बहुत शौक है और बड़ी छोटी उम्र में, लेकिन अच्छा सॉरी मैंने आपको यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, मैं आई एम अ प्लास्टिक सर्जन, लेकिन यू आर अ रिकंस्ट्रक्टिव एंड प्लास्टिक सर्जन व्हिच इज आई थिंक अ ह्यूज हर किसी को एक्टिंग करनी है। सो मुझे याद है कि
मैं जब 16 साल का होता था ना, तब से मैं एड एजेंसीज जाया करता था और बोलता था कि मेरी तस्वीरें ले लो, मुझे चांस दे दो. तब से मैं पिक्चर्स खिंचवाता था, तब से कर रहा था. सो इट टुक मी 7-8 years ऑफ जस्ट डूइंग दिस, गोइंग टू एन एड एजेंसी, यहाँ जाना वहाँ जाना, कोशिश करते रहना, कुछ नहीं हो रहा होता था. कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर जाके कहीं कुछ हुआ. तो आज जब मैं सर्जरी कर रहा होता हूँ और मेरे पास लोग आ जाते हैं, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं, वो कह रहे हैं सर मॉडलिंग करनी है, मॉडलिंग करा दें. सो माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज दैट आई लुक अप एट देम, और मैं उनको यही कहता हूँ कि कल को तुम मुझे बोलोगे कि सर्जरी करवा दें. मतलब हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. हाँ. तुम ऐसे तो नहीं आए ना, एक प्रोसेस से गुजरे हो यार. एक मेहनत करके, स्ट्रगल करके एक लेवल पे पहुँचे. ऐसे थोड़ी है कि आप आए, मुंह उठाए, हो गया. ये जो आजकल के बच्चे ना, उनको ये समझ नहीं आता कि जिंदगी के कुछ कानून बदले नहीं जा सकते, अल्लाह की सुन्नतें कुछ बदली नहीं जा सकती. पर फवाद, ऐसा भी होता है कि बाज़ लोगों को ओवरनाइट सक्सेस भी मिल जाती है. हाँ. लेकिन हर किसी की जर्नी और डेस्टिनी डिफरेंट होती है. मतलब मैं अपने आप को जवेरिया अपने आप को किसी और एक्टर से कंपेयर नहीं कर सकती. मैं अपने आप को, चाहे वो अपेरेंटली एक ही रेस में खड़े हुए नजर आए, लेकिन वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वाज टोटली डिफरेंट. हम वो किसी ने किसी और, वो अपनी जर्नी से गुजर रहे हैं. तो जिंदगी हर किसी की एक अलग सफर है और अलग रास्ता है और अलग कोशिश है, अलग एक्सपीरियंसेस. और हम किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते. और कंपेयर करने से क्या होता है कि आप जब, बिकॉज इमरान ने इतनी अच्छी बात करी है, और कभी कभार मुझे भी जब हम काम कर रहे होते हैं तो कभी कभार आपको होता है, कॉम्पिटिशन होता है दूसरे आदमी से. आपको लगता है कि यार वो इतना अच्छा कर रहा है, आप अच्छा. बिकॉज आप जब दूसरे आदमी को देखते हैं ना, तो आप उसकी सारी अच्छाइयाँ देखते हैं और उसकी सारी अच्छाइयों को अपनी सारी बुराइयों से कंपेयर कर रहे होते हैं. जब हम कंपेरेटिव मोड में आ जाते हैं ना, तो हम फिर ऐसे फील करते हैं. बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर इंसान की जर्नी अलग है, हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, हर के सर्कमस्टेंसेस अलग है. तो आप कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें. आप तो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके दोनों को जब अवार्ड दे रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता कि कोई शायद पता नहीं किस इलाके से चल के यहाँ तक पहुँचा है, और कोई प्रॉब्ली अपने पड़ोस के घर से निकल के यहाँ तक आ गया. तो हर किसी का रास्ता और जर्नी, और लोग बड़ी बड़ी स्ट्रगल के बाद यहाँ पहुँचे हैं. लोगों ने अपनी अपनी जिंदगियाँ गवा दी हैं. अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी फहद से, कि बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन हैं, बड़ी प्लास्टिक सर्जरीज की हैं, उसमें मैं नाम नहीं पूछूंगी, कितनी एक्ट्रेसेस शामिल थी और कितने हमारे एक्टर्स शामिल थे, किस किसी प्लास्टिक सर्जरी करके आपने उसको पीछे ले गए हैं, 10 साल पीछे, 20 साल पीछे, खूबसूरत बनाया है. अच्छा देखिए, मेरा नाम तो नहीं होगा, ये तो मुझे यकीन है. देखिए, नाम तो नाम तो मैं नहीं ले रही. नाम तो कितने लोग हैं, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उनकी अमानत है मेरे पास. बिल्कुल, ये तो कोई सूरत हाल ही नहीं है कि मैं किसी का नाम, मैं तो अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता इस बारे में, बिकॉज ये उनकी अमानत है. तो ये तो आप वायलेट कर ही नहीं सकते. लेकिन बहुत सारे मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, और अब प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सर्जरी नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर फेशियल एस्थेटिक्स भी आती हैं. जैसे फिलर से आपने चेहरे के कॉन्टूअर्स बदल दिए, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आती हैं कि आपने कुछ फैट डिसॉल्व कर दी, आपने कुछ फेस को टाइटनिंग दे दी. तो बिफोर गोइंग अंडर द नाइफ, एक पूरा आर्मामेंटेरियम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली यंगर लोगों में, उनको और अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए. तो यंग लड़कियां बहुत सारी होती हैं जिनके चीक्स बना रहे होते हैं. अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी एज है जिससे हमने ये शुरू करना है, जिनको ज़रूरत होती है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम के बाद शुरू कराते हैं तो वो चीज़ नहीं आती. इसके बारे में यही कहते हैं, द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर. लेकिन अब जैसे बोटॉक्स है, बोटॉक्स रिंकल्स को आने से रोक देता है. अगर आप 50 साल में शुरू करेंगे, रिंकल्स तो आ चुके हैं, वो फिर कहीं नहीं जाने. अच्छा जनाब, अफहद हमारे साथ हैं और हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, जो हम बार बार डिस्प्ले करते रहते हैं, जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं दौड़ रहा होता है. आप उस नंबर पे कॉल करके अगर आपके जहन में कोई क्वेरी है रिगार्डिंग प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, तो आप वहाँ से लाइव यहाँ पूछ भी सकते हैं. बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि हमारी नाक टेढ़ी, और नाक मेरा ख्याल है राइनोप्लास्टी बहुत मेजर चीज़ है जो अक्सर लोगों को नाक से थोड़ा सा बहुत. तो ये आप छोटा मोटा आप सवाल पूछ सकते हैं, डिटेल में नहीं, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि हाँ इसकी सर्जरीज कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कितना कॉस्ट है, वो सब कुछ. फहद यहाँ बैठे हुए हैं और आप, लेकिन फहद मैं आपसे ये भी जरूर कहूँगा कि एक बहुत बड़ा काम जो आप रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का कर रहे हैं, जिससे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, लोगों के चेहरों पर. हमारे एक आने वाली एक मेहमान भी इससे कनेक्टेड हैं, जिनको अभी हम थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिन्होंने बहुत से चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी, और डेफिनेटली फहद भी लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं. तो बड़े आज हमारे पास जो है ना अजीम लोग हैं जो मुस्कुराहटें डोनेट कर रहे हैं जिंदगी में लोगों की. आप देखते रहिए अहद रमजान, हम आएंगे मजीद इंटरेस्टिंग बातों के साथ और खूबसूरत गेस्ट के साथ. Express Entertainment or Express News.
ये से अपनी ताकत दी दूसरों का दुख दूर करने के लिए, ऐसा मुमकिन किया स्माइल अगेन के साथ। मैं बाहुनर हूँ, आज जो उठती हूँ DSF की वजह से हूँ, थैंक यू DSF। मैं एक बाहिमत माँ हूँ, मुझे ये हौसला स्माइल अगेन पोजीशन ने दिया है। मुझे लोगों को खूबसूरत बनाने का हुनर DSF ने दिया है। डीप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन हमारा मुफ्त इलाज करवा रहा है। अब हम अपने हाथों से सब काम कर सकते हैं। शुक्रिया DSF। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। DSF हमारा ये हॉप पूरा कर रहे हैं, थैंक यू DSF। कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। खूबसूरती की मुख्तलिफ डेफिनेशंस और खूबसूरत लोगों के मुख्तलिफ हम लोग बयान सुनते हैं जब वो कहते हैं कि हाँ खूबसूरती इंसान की सीरत में होती है, और ये सारी बातें हम सुनते आए हैं। लेकिन क्या करें कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसकी खूबसूरती की डेफिनेशंस अभी भी बहुत ज़्यादा बोसीदा और बहुत ही बुरी हैं। जी हाँ, लोग अभी भी चेहरे पर जाते हैं, लोग अभी भी लोगों की बज़ाहिर जो हुसन होता है उस पर ही मरते हैं। अभी तक गोरी रंगत अभी भी खूबसूरती के वही मेयार हैं जो एक औरत के वजूद से उसकी जो असल शख्सियत होते हैं उसकी पहचान बिल्कुल छीन लेते हैं। हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली एक अजीब सा रिवाज ये भी है कि यहाँ हमने देखा कि बाज़ दफ़ा ख़वातीन के चेहरे पर तेज़ाब फेंक के उनकी ना सिर्फ मुस्कुराहट छीन ली जाती है बल्कि उनसे ज़िंदगी जीने का हौसला छीन लिया जाता है। हमारे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि लड़कियों से जब उनकी उनकी शख्सियत की ये सबसे जो अहम चीज़ होती है चेहरा, जब वो छीन लिया जाता है तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठी, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली इसलिए कि वो उस चीज़ को फेस ही नहीं कर सकें। ऐसे में कुछ ऐसे फरिश्ता सिफ्त हजरात ख़वातीन हमारे मुआशरे में हैं जिन्होंने ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में दोबारा ज़िंदा रहने का हौसला पैदा किया बल्कि उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट दोबारा बिखेरी जिसको वो खुद भी भूल गई थी कि वो मुस्कुराती कैसे हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे पास है और उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो पहले से ही बहुत मशहूर शख्सियत थी हमारे मुल्क की। वो मेकअप के ज़रिए लोगों के चेहरे खूबसूरत बनाया करती थी और फिर अल्लाह पाक ने उनको चुन लिया उन खोए हुए चेहरों को खूबसूरत बनाने के लिए जिनके दिल से ज़िंदगी की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अल्लाह पाक ने उनको चुन लिया उनके मायूस दिल को खूबसूरत बनाने के लिए कि जिसमें ज़िंदगी की उमंग पैदा हो, जिसमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की उमंग पैदा हो। और उन्होंने फिर ऐसे ही लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालना शुरू किया कि जो कि तेज़ाब और आग से झुलसे हुए लोग थे, जिनके चेहरे कहीं खो गए थे, उनकी शख्सियत को ढूंढ के लाएँ, उनकी ज़ात को ढूंढ के लाएँ, उनके वजूद को ढूंढ के लाएँ और उनको दोबारा से जीना सिखाया, ज़िंदगी में दोबारा वापस आना सिखाया। हमारी बहुत ही प्यारी मुसर्रत मिसबा। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अगर आपकी तारीफें हमने शुरू की तो। आप लोगों की मोहब्बत है और अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन आमीन। बिल्कुल आइए, तशरीफ रखिए एक बार फिर हमारे ऐद रमजान में। जी बिल्कुल, एक बहुत ही कामयाब माँ, एक बहुत ही प्यारी बहन, एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और अब माशाल्लाह एक बहुत ही नेक फरिश्ता सिफ्त मनसब पे आपको अल्लाह ने फाइज किया है। माशाल्लाह आपकी तारीफ में क्या क्या कहा जाए मुसर्रत भाजी, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑनेस्ट एक इंस्पिरेशन भी, एक इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स फॉर एवरी सिंगल वुमेन इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द ग्लोब। आप लोग देखिए कि जो कहते हैं कि औरतों की राह में रुकावटें होती हैं, सब कुछ होता है, ऐसी भी औरतें हैं जिन्होंने इन सारी रुकावटों को पीछे छोड़ के आज इस जगह पर हैं कि मर्द भी इनसे जो है वो सबक हासिल करें। मेरा ख्याल है आप मर्दों औरतों के लिए सबके लिए इंस्पिरेशन रोल मॉडल बन गई माशाल्लाह। अब कितने लोगों का इजाफा हो गया पिछले साल से अब तक स्माइल अगेन में? भी मेरे पास 760 से थोड़ी ऊपर बच्चियाँ बच्चे। अच्छा। और पिछले 2-3 सालों में लड़के भी आए हैं जिनके ऊपर तेजाब बच्चे भी आए हैं। हाँ, बड़े भी बच्चे तो बेचारे हादसाती तौर पे भी होते हैं। बाज़ दफ़ा माँ बाप के दरमियान लड़ाई हुई तो तेज़ाब जब फेंका तो उन बच्चों के ऊपर भी आ गया तो वो भी बेचारे उस हादसे का शिकार हो जाते हैं। उनकी बहुत लंबी ज़िंदगी है क्योंकि अगर उनकी आँख या उनका चेहरा या उनका जिस्म के आज़ा जो है वो मतलब बहुत लंबा सफ़र है। और आप माशाल्लाह आपने अपना मेकअप भी वो इंट्रोड्यूस कराया है और 2 साल हो गए आई थिंक, 2 से 3 साल। हलाल मेकअप। और मेरी जो बहनें हैं ना, मेरी बहनें तो फ़ैन हैं आपके मेकअप की।
और मैं भी बहुत शुक्रिया बहुत ही। और सबसे बड़ी चीज़ की जो मेकअप इन्होंने जारे वो हलाल है। एक तो हमारे यहाँ ये भी बड़े मसले होते हैं ना कि ये हलाल है या हलाल नहीं, नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने ये मेकअप का सोचा बनाने के लिए उस वक्त मुझे भी इल्म नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे ये ख्याल आया और मैंने मतलब मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ कि जो कॉस्मेटिक्स कलर कॉस्मेटिक्स हम लगाते हैं उसमें बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि परमिसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि इसमें पिक फैट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सोचने की बात है वो ये कि हमारे लिए किसी भी नॉन ज़बीहा एनिमल का फैट जो है वो भी परमिसिबल नहीं है। अच्छा अच्छा। इसी तरह से कुछ ऐसे कीड़े होते हैं कॉकनेल जिनको वो क्रश करते हैं तो उसमें से कलर निकलता है और वो कलर भी निकालते हैं ना जी, तो वो भी खून हराम है हमारे लिए। सो इस तरह की चीज़ों को पिक करना उन इंग्रेडिएंट को और फिर सिर्फ उस पर ठप्पा लगा देना हलाल नहीं है। इट्स अ होल प्रोसेस ऑफ शरिया कंप्लायंस। कंपनी जहाँ पे बनता है, रखा जाता है, स्टोर किया जाता है शुक्र, और फिर उसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे हमसे ऐसी नादानिशतगी में चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमें पता नहीं होती और फिर बाद में पता चलती हैं। हम बड़े शौक से बाहर का मेकअप लगाते हैं लेकिन अब हमें और आपा बल्कि आपा आई हुई हैं अमेरिका से, मैं चाहूँगी कि आपा आप भी मेकअप आपा से लेकर जाएं क्योंकि बाहर रहने वालों को ज़्यादा मसाइल होते हैं। आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं, हम तो नहीं नहीं आप तो मैं तो समझती हूँ कि जब हमें इल्म हो जाए ना किसी अच्छी चीज़ का तो ये हम पर फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उसको आगे फैलाएँ। हमारा काम बताना है, ये हमारा अमल है, कोई करे ना करे वो खुद जवाब दे। और आपा आप से अगर हम यहाँ पे सब मौजूद हैं माशाल्लाह तो एक अगर नात हो जाए हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन का वो एक जो तकद्दस है वो उसी तरह चलता रहे तो क्या बात। जब खाना काबा से वापसी होती है तो जो भी फीलिंग है वो इस इन अशारों में है, मैं पेश करती हूँ। आपको लगेगा कि आपकी वापसी हो गई है। मंजरे काबा निगाहों में बसा लूं तो चलूं, इश्क को हुस्न के अंदाज सिखा अपने महबूबे हकीकी को मना लूं तो चलूं, अपनी बिगड़ी हुई हर बात बना लूं तो चलूं, अपनी बना लूं तो चलूं, खींचता तवाफ़े
रूह को रक्स के अंदाज सिखा लूं तो चलूं, रूह को रक्स के अंदाज सिखा लूं तो चलूं, मंजरे निगाहों में बसा लूं तो चलूं, इश्क को हुस्न के अंदाज सिखा लूं तो चलूं। अल्लाह पाक ने ये दुनिया बल्कि ये दो जहां तख्लीक किए, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, लेकिन अगर हम अशरफुल मखलूकात की बात करते हैं तो इसमें मर्द और औरतों के सिवा अल्लाह पाक ने एक और तख्लीक की जिनको हम ख्वाजा सरा कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कि इंसानों की कदर नहीं करते, इंसानों की ही इज्जत नहीं करते, लेकिन इनके साथ हमेशा हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। इनको बुरे बुरे अलकाब से पुकारा जाता है, ताने किए जाते हैं, आवाज़ें कसी जाती हैं, और कहीं भी इनको कोई भी अपने घर में, अपने ऑफिस में, किसी भी जगह पर जगह नहीं मिलती। लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमसे ज़्यादा खूबसूरत दिल रखते हैं, हमसे ज़्यादा खूबसूरत जज्बात और हमसे ज़्यादा खूबसूरत सोच रखते हैं, अपना चेहरा गंवा कर किसी और को ज़िंदगी देने वाली, किसी और की इज्जत रखने वाली? एक मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने लड़कियों के कॉलेज के बाहर किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए, बड़ी बात है, हम तो यूँ देखते हुए गुजर जाते हैं, किसी का लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, यहाँ तक कि एक्सीडेंट के बाद कोई ज़मीन पर पड़ा हुआ मर भी रहा हो, हम नहीं रुकते, कौन पड़ेगा पुलिस की झंझट में? लेकिन वो लड़ पड़ी उन गलत लोगों से, उन बदमाशों से, एक लड़की की इज्जत बचाने की खातिर, एक लड़की की ज़िंदगी बचाने की खातिर। और हम लोग, हमारे अंदर इतना बड़ा ज़र्फ नहीं है, खुद को गंवा कर, अपना चेहरा गंवा कर एक बच्ची की इज्जत बचाई और उसके बदले में क्या मिला उनको? तेजाब। उन लोगों ने गुस्से में आके उन पे ही तेजाब फेंक दिया। उसके बाद वो किस तकलीफ से गुजरी, किस जलन से गुजरी, किस परेशानी से गुजरी? एक तो वैसे ही दुनिया के धुतकारे हुए लोग और ऊपर से चेहरा भी झुलसा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज भी वो माशाल्लाह बड़ी उम्मीद और बड़ी लगन के साथ जी रही हैं। मैं चाहती हूँ कि हम आप लोगों से, मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह के दिए हुए हर चीज़ पे सब्र शुक्र अदा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो लोगों की ज़िंदगी, लोगों की इज्जत बचा कर अपने ऊपर तकलीफ सहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें खड़े होकर ऐसे लोगों का इस्तकबाल करना चाहिए। तो मोना भट्टी के लिए हम सब उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं कि वो किसी से कमतर नहीं है, बल्कि वो हम सब से बेहतर हैं, मुझसे बेहतर हैं। मैं तो किसी और की बात ही नहीं करती, मैं अपनी बात करती कि आप हमसे बेहतर हैं। यकीन जाने आपसे गले लग के बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। आपका शुक्रिया। बैठिए। आप लोगों ने हमें इज्जत बख्शी अपने प्रोग्राम में। जवेरिया साहिबा, जितना हो सकता है हम आपके एहसान मंद हैं। डिप्लेक्स स्माइल कैन फाउंडेशन से मेरा तल्लक है। मैं उस चौराहे पे थी जब सब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक वाहिद वो इदारा था डिप्लेक्स स्माइल कैन मुसरत मिसबा, जो कि हमारे दुखी लोगों को प्रमोट कर रहा है। ये जो इदारा है ये मुश्किल
अल्फाज नहीं है, ये बहुत तकलीफ दे दारा है कि जो इतनी हौसला अफजाई कर रहा है। ये जो हमारे ऑपरेशन होते हैं ये बहुत तकलीफ दे होते हैं। एक ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है, जो कि डिप्लेक्स स्माइल गैन का इदारा खर्च कर रहा है। ये आप लोगों के आमन से हो रहा है। मिसबा आपा के जैसे फरिश्ते अल्लाह ताला ने इंसान के रूप में इस दुनिया में भेजे हुए हैं, जहाँ शैतान यहाँ मौजूद हैं वहाँ ये फरिश्ते भी मौजूद हैं। कैसे आप मिसबा आपा तक पहुँची, क्या हुआ उस दिन, हमें कुछ बताइए किस तरह। देखे उस वक्त तो स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ लड़के थे बदतमीजी कर रहे थे, तो मैं उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ी। मैंने बोला देखो ये अच्छी बात नहीं है कि ये जो बच्चियाँ होती है वो घर से अपनी इज्जत लेके बाहर आती हैं, तो ऐसे इज्जत से अपने घर में जाए, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं। तो उसने मुझे धक्का दिया, तो फिर वो उसको ऐसे छूने लगा तो उसके मैं गले पड़ गई। एक लड़का बोलता चलो इसको छोड़ो पहले हम इसके साथ करेंगे, तो उन्होंने मुझ पर एसिड फेंका। तो उस वक्त मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कव्वे चीले जवेरिया जी मेरा गोश नोच रही हैं। वो लम्हा बहुत तकलीफ देता, मुझे अब भी ऐसे महसूस होता है जैसे वो वाकया मेरे साथ दोबारा दोहराया जा रहा है। तो इतने तकलीफ दर्शे के बाद मेरे जो मैं माँ बाप बहन भाइयों का भी रवैया बदल गया मेरे साथ। तो फिर मैंने मुसरत मिसबा का ऐड देखा टीवी पे, तो इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया और मेरा बहुत साथ दिया। मैं तो ये कहती ये एक वाहिद इदारा है जो कि दुखी लोगों के, जो लड़कियों को जो जल जाती, जो इन लोगों को कबूल नहीं करता, वो जो गरीब लोग होते हैं जो अपना इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि ये जवेरिया जी बहुत महंगे ऑपरेशन है। तो बाजी पता नहीं कहाँ कहाँ से बाहर से डॉक्टर बुलवाती है, हमारा ऑपरेशन करवाती है, और ये जब तक खड़ी रहती उनके सर के ऊपर जब तक हमें होश नहीं आ जाता। मैं तो सच कह मुझे तो अभी तक याद है, मैंने सुई तक नहीं लगवाई थी, तो जब मुझे होश आया तो बाजी ने यूँ मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। जब मेरा ऑपरेट हुआ तो बाजी की शक्ल देखी, जब मैं बेहोश हुई बाजी की शक्ल देखी। तो ये आप लोगों के तावन से ये इदारा चल रहा है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस इदारे को हेल्प करें, आपकी बहुत ज़रूरत है। ये जो एसिड है ये कम होने की बजाय ज़्यादा फेंक रहे हैं, क्योंकि मुझे तो इतना एहसास नहीं होता ये जो लड़कियां हैं इनका आने वाला मुस्तकबिल, इनकी तकलीफ़ें, इनकी ख्वाहिशात, जो इनके दिल में ख्वाहिशात होती हैं। एक 20 रुपए की बॉटल पूरी ज़िंदगी लड़की की तबाह कर देता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए, मौलाना लोगों को भी चाहिए, प्लीज़ आप खुतबे में ये बयान कर दीजिए करिए कि औरत पे जुल्म करना बहुत गुनाह है। वो मर्द नहीं होते जो औरतों पे जुल्म करते हैं, मैं उनको मर्द नहीं मानती। तो इंसान के जो इंसान जो सही काबिल जो लड़कियों के साथ ज्यादती कर गए, ये तो एक हवा की बेटी है, हवा की बेटी के साथ इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ जवेरिया साहबा हमेशा मुर्गी क्यों कटती है, मुर्गा क्यों नहीं कटता, क्या ये बेटियाँ को इतना क्यों सताते हैं, अपना माँ बाप बहन भाई छोड़ के एक सास के घर में जाती है, एक उसको मियाँ मिलता है, अगर वो अच्छा जहेज नहीं ला पाती, अपने साथ गाड़ी बंगला नहीं ला सकती, तो उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है। ऐसा नहीं होने जाना। अपने गिरेबान में देखें कि हमारी भी बेटियाँ हमारी बहनें हैं, आज हम किसी बहू के साथ कर रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे। लड़कियाँ बाहर जाती हैं उनके साथ लड़के ताने कसते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो अपने घर में देखें कि हमारे घर भी बहन है हमारी, आज हम इस लड़की को छेड़े कल को हो सकता है तो हमारी बहन को भी छेड़े। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना हो सके इस इदारे की हेल्प करें, आपकी ज़रूरत है। हमें मैं चाहूँगी फहद अगर आप बच्चियों को ज़रूरत आइए, आप लोगों की बहुत हौसला अफजाई है, मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ और इन सब पूरे पाकिस्तान के लिए मैं दुआ करती हूँ कि
के जो सदका खरात जो कुछ भी हो सकता है भले एक रुपया दे इसी तारे को प्रमोट जरूर 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 करें मेहरबानी होगी। ये हमारे प्लास्टिक सर्जन है और इनके आपके कितने ऑपरेशन हो चुके हैं? मेरे तकरीबन 14 ऑपरेशन हो चुके हैं जो 14 ऑपरेशन के बाद आपको लगता है कि आपका चेहरा आपको कुछ वापस मिला है? जवेरिया जी मुझे तो ऐसे लगता था मुझे अपने आप से घिन आती थी, मैं सीरियस कह रही हूँ, मुझे घिन आती थी। ये जो मेरी आँख थी ये बिल्कुल ऐसे खिचकी हो गई थी। ये तो काफ़ी सर्जरी में होने के बाद बात इस हालत में आई और ये सब कुछ कह जाता है मुसरत मिसबा को, उसने मुझे इस कदर काबिल कर दिया कि आज मैं अपना सिलाई करती हूँ, इसकी वजह से मैंने काम सीखा है। मेरी और भी ये बच्चियां हैं जिनको ये इतनी मेहनत करके डिप्लेक्स में काम दिला रही हैं वो इदारों के पास जाती हैं तो कई के दिन ये सो नहीं पाती, हम लोगों की फिक्र लगी रहती है। मोना लेकिन आपको सारे लोगों से प्यार मिल रहा है जो आप कह रही हैं, लेकिन मुझे अपनों को खोने का दुख होता है जो आपने कहा कि आपके अपनों का रवैया बदल गया था, आपके अपने घर वालों का माशरे के रवैये से तो आप तकलीफ आपको होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख आपको होता है जब आपके अपने माँ बाप या बहन भाई आपको जो है आप वो दुख और बीइंग अ ट्रांसजेंडर या बीइंग जनाब वापस आ गए हैं। मैं और फादर भी यही बात कर रहे थे कि किसी को जान से मार देना तो एक तकलीफ दे बात होती है, लेकिन इस तरह किसी के साथ अगर आप कोई एक मर्द औरत के साथ करता है या आप तो मुसरत बाजी ने कहा कि जिस तरह लड़कों के साथ भी नौजवान लड़कों के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल किसी को कत्ल कर देने के मुतरादिफ है। ये आप उसकी ज़िंदगी उससे छीन रहे हैं बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि कानून में इसकी क्या सज़ा है लेकिन इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए, इसलिए कि आपने एक दूसरे इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दी, आपने ख़त्म कर दिया उसको और वो ना सिर्फ आपने ख़त्म कर दिया बल्कि एक एक पल आप उसको मारते हैं। और अफसोस तो जब होता है जब अपने ही निगाहें पेड़ लेते हैं, अपने ही जो है इंसान को ऐसे शख्स को जैसे अभी इन्होंने बात की कि मैं खुद अपने चेहरे से ये वो करती थी तो लोग किस तरह से बिहेवियर होता होगा लोगों का, वो किस तरह से इनको देख के करते होंगे, वो सब ये कैसे बर्दाश्त करती होंगी। देखिए जवेरिया जी इन उनका क्या बिगड़ता है जो ये करते हैं फिर उनको उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं मेरे साथ हुआ तो मुझे इतना याद है मैं अदालत के बाहर बैठी थी केस लड़ रही थी अपना, तो मुझे कह लगे छोड़ो जी माफ़ कर दो कोई बात नहीं कुछ पैसे ले लो माफ़ कर दो तो इनको छोड़ दो, बच्चा है गलती हो गई। क्यों बच्चा है बच्चा है गलती हो गई, बच्चे ने मार दिया किसी को जान से गलती हो गई। अभी देखो वो तो बरी हो गया उसकी जो सजा थी खत्म, वो जो जिसने एसिड फेंका था वो बरी हो गया। हाँ वो बरी हो गया। कितने साल? अब तुम ये बताओ कि उसकी सजा अभी तक हम भुगत रहे हैं, उसकी सजा पेन अभी तक हमें हो रही कि वो बरी हो गया, उनकी शादी होगी तो जिंदगी तो हमारी खराब होगी, इन बच्चियों की खराब होगी, उसका क्या किया? बस उसके मुंह पे भी ऐसे ही तेजाब फेंक देना चाहिए था और उसको भी पता चलना चाहिए था कि हाँ बस ठीक है उसके बाद तुम बरी हो जाओ। तो मजाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आपका तो क्योंकि आपकी तो जिंदगी जब से आपकी पैदाइश हुई उस वक्त से आप तकलीफें झेल रही होंगी बीइंग जब ट्रांसजेंडर आपको डेफिनेटली ये सारी तकलीफों से तो आपकी जिंदगी तो तकलीफों से भरी पड़ी है। लेकिन पहले तो मैं उस दुख की आपका जिक्र करूंगा कि आपको माशरे का वो रवैया जब सहना पड़ता होगा और उसके बाद फिर आपने ये जो सब कुछ फेस किया। देखो मेरी बात सुन, अगर कुदरत के बनाए हुए कारखाने में अगर थोड़ी सी मिट्टी कम लगती है इसमें हमारा क्या कसूर है? बिल्कुल इसमें हमारा, तो फिर भी हमें लोग बुरा कहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं, इसका तो अजर अल्लाह पाक ने रखा है। एक दफ़ा मैं अमर लियाकत के प्रोग्राम में गई थी तो अमर लियाकत ने मुझसे कहा कि लोग आपसे किस तरीके का बर्ताव करते हैं तो क़यामत के रोज़ आप इतने खूबसूरत होकर उठोगे कि देखने वाले फरिश्ते भी आपको झुक जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने ये तुम लोगों के साथ किया है उनको तो देख के ही दम निकल जाएगा, उनकी क़यामत के रोज़ ऐसी शक्लें होंगी। बिल्कुल तो लेकिन अभी अमर लियाकत का वो मुहावरा मुझे याद है इसलिए मैं जिंदा हूँ। तो आप के दिल में दूसरों के लिए भी कितना दर्द है,
मैं ये देख रही हूँ कि ये अभी इस हाल में भी ये कह रही है कि हमारा तो कुछ नहीं है। वो लड़कियाँ जिनकी आगे जाके शादियाँ होनी होती हैं, वो किस तरह इस ज़िंदगी को लेकर चलती हैं, और औरत का जो चेहरा होता है वो उसके लिए उसकी ज़िंदगी होता है। हर औरत जो है वो औरत के लिए जो 16 सिंगार बनाए गए हैं, औरत हर औरत अपने आप को खूबसूरत देखना चाहती है, चाहे वो खूबसूरत भी हो उसके बावजूद वो सिंगार करना चाहती है कि मैं कुछ और ऐसा करूं कि मैं और खूबसूरत नज़र आऊं। और फिर जिन लड़कियों से उनका चेहरा छीन लिया जाए, उनका वो चेहरा जो कि उनकी ज़िंदगी है, जो कि उनकी खूबसूरती है, तो उनकी ज़िंदगी में क्या रह जाता है? मायूसी। और फिर उसी मायूसी को खुशी में और ज़िंदगी की आस में बदलना बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि मुसर्रत बाजी आप यहाँ हमारे साथ आके ज्वाइन करें, इसलिए कि जितना हौसला आप ने इन सब लोगों को दिया है वो आपके साथ होना ऐसा जो है ना उनके लिए और ज़्यादा एक फख्र की बात है। ये आपसे आपकी औलाद की तरह प्यार करते होंगे, आपकी छोटी बहनों की तरह प्यार करते होंगे। मैं भी इनको अपनी औलादों की तरह ही प्यार करती हूँ। मैं फहाद से पूछना चाहूँगी, फहाद जैसे इन्होंने बताया कि 14 सर्जरीज इनकी हुई हैं, और आप एज सर्जन आप क्या कहते हैं कि इतनी मुश्किल होती हैं ये सर्जरीज और कितना टाइम लगता है इनके अंदर, क्या कहेंगे? इनके साथ जो हुआ उसका तो कोई इनको वापस नहीं दे सकता, लेकिन इनकी सर्जरीज अच्छी हुई हुई हैं। अच्छी हुई हैं मतलब एज अ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन मैं बता रहा हूँ कि इनका जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो रिस्टोर हो गया है, स्किन की क्वालिटी और थोड़ा बहुत ये बहुत अच्छी क्वालिटी की इनकी सर्जरी हुई है। ये ऑब्वियसली नॉर्मल स्किन तो नहीं, जो चलेगी वो चलेगी, बट गुड जॉब सरदार। हमने इनका जो ऑपरेशन जिस तरह बताए फहद ने बहुत अच्छे हुए। अभी इनकी आईब्रोज भी बनाई गई हैं। अच्छा। इनके कानों के प्रोस्थेसिस वगैरह भी होने हैं, क्या मतलब अलग से कान लग सकते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन की मोना और आज की जो मोना है उसमें मुझे तो पहले भी खूबसूरत लगती थी, अभी भी बहुत प्यारी लगती है। और आपने इसका कॉन्फिडेंस नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर इसकी एक तस्वीर है मेरे पास, ये बैठी हुई अपने साथ इसके दो वर्कर्स भी हैं, ये कढ़ाई कशीदा कारी वगैरह जो ये घर में करती हैं, इन्होंने अपना वो जो लगा होता होम वर्क कर दिया, पाँव पे खड़ा कर दिया, ये सब कुछ कह रहे बाजी को जाता है कि हम लोगों का जो हमारे अब इतनी तारीफें बार बार बाजी बाजी करूँगी लोग समझेंगे तो मैं कुछ मैंने दे के कहा है। नहीं देखे मुझे, मैं तो एक ऐसी चीज़ हूँ, मुझे तो दुनिया का लालच नहीं पता है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इमरान, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपा को 6 फुट का स्टूल तो हमें ज़मीन पर बिठा दो, इतना मुझे छोटा लग रहा है। मुसर्रत बाजी मैं आपसे पूछूंगा कि डेफिनेटली आपको जो पैनल होगा जिसमें डॉक्टर्स होंगे और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन होंगे जैसे फहद हैं और बहुत सारे, और मोना ने हमें बताया कि आप बाहर से भी आपके जो फॉरेन डॉक्टर्स भी आते हैं, ये सारे के सारे लोग आपके पैनल पर हैं या आप विजिटिंग डॉक्टर्स हैं आपके पास, और कितना मुश्किल होता है स्पेशली जिस तरह फहद ने मुझे बताया, हम सबको बताया कि बड़ा मुश्किल था कि इनका इनकी जो सर्जरी हुई है ये एक अच्छी क्वालिटी की सर्जरी है, ये नहीं कि सिर्फ आपने, क्योंकि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर आर्टिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डेलिकेसी वो जो इंट्रिकसीज होती हैं, यू नो एस्थेटिक्स जो इन्वॉल्व होते हैं, ये नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया किसी के मुंह को, इट शुड बी अ ब्यूटीफुल लुकिंग फेस। कोशिश तो ये करते हैं कि इनके जो अपने जो फीचर्स हैं उनको पहले रिस्टोर कर लें। हमारे पास बहुत अच्छे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, अगर वो कह रहे हैं ना तो ये कुछ नहीं, नहीं कुछ तो फुट ये, और ये भी जो सच बात है ये मुझसे कहीं आगे हैं, क्योंकि मैं इस बुढ़ापे में आके ये काम कर रही हूँ और ये इस जवानी में कर रही हूँ। सबको पता है कि आपके बाल जो वाइट आपने खुद किए हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि हमारे जितने डॉक्टर्स हैं दे वर्क वेरी हार्ड, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट शहरों में अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, तो कोई एक पैनल नहीं है। अलबत्ता जो बाहर से डॉक्टर्स आते हैं वो हमें खुद ही मेल करते हैं और कहते हैं कि अच्छा। हम आना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, बस ये होता है कि मेरे घर में रह लिया, उनका ख्याल रख लिया, वो अपनी छुट्टियों में आते हैं हमारे पास, यानी उनके ईस्टर उनके क्रिसमस उसमें आते हैं और वो हमें। बाजी आपके आपके ख्याल में जो शरा है जो परसेंटेज है जो रेट ऑफ एसिड थ्रोइंग है ये बढ़ रहा है पाकिस्तान में, या अभी जो कुछ एक कानून भी पास हुआ है सपोजली Is it been already implemented? अब मैं समझती हूँ कि क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लग गई है, अब टीवी फ़ौरन पहुँच जाता है,
लड़कियों में थोड़ा सा या घर वालों में शायद ये शऊर आ रहा है कि नहीं, हमने इस जुर्म को ख़त्म करना है। बेटी तो बेचारी ख़त्म हो गई, अभी आपने कहा था ना कि माफ़ कर देते हैं या माफ़ कर दो, जिस तरह मोना ने बताया कि जी उन्होंने, ये होना नहीं चाहिए। शरा बड़ी इस तरह से है कि उसकी रिपोर्टिंग होने लग गई है, और जब रिपोर्टिंग होने लग जाए तो फिर ये स्टेट का फ़र्ज होता है कि वो उसकी जो कानून है उसको लागू करें और सज़ा दें। जैसे हम सब इनको तकलीफ़ों को देख के कहते हैं कि इनकी सज़ा जो है वो ज़रूरी है, लेकिन जी सिर्फ मुजरिम वही नहीं है जो कि रोडों पे घूमते हैं, कहीं कहीं मुजरिम वो भी होते हैं जो एक घर में रहते हैं। वो माँ भी हो सकती है, वो बहन भी होती है, वो ऐसी औरत होती है जो कि अपने घर में एक आम ज़िंदगी गुजार रही होती है। ऐसे लोग भी मुजरिम होते हैं। जी हाँ, हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिनके वालिद मस्जिद में मौलवी, क्या खूबसूरत उन्होंने अपनी बेटी की सीरत बनाई होगी, क्या कैसी सीरत रखने वाली वो लड़की होगी। और बड़े दिल से, बड़े चाह से, बड़े अरमान से उस बाप ने, बाप जो होता है वो बेटी को ऐसे लेके चलता है जैसे कि कोई बहुत ही कीमती हीरा उसके पास मौजूद हो। बाप बेटियों से ऐसा प्यार करते हैं, मैं अपने शौहर को देखती हूँ कि वो जन्नत के लिए जान तक निछावर करने को तैयार होते हैं। मैंने अपने बाप को देखा कि मेरे पापा दो दो नौकरियां करते थे, तीन तीन नौकरियां करते थे, और मुझे जो चीज़ पसंद होती थी, चाहे वो उनकी पूरी नौकरी की जो तनख्वाह होती है उस महीने के बराबर, पूरी तनख्वाह के बराबर भी होती थी, वो चीज़ मुझे ला के देते थे। बाप ऐसा होता है, ऐसा प्यार करता है अपनी बेटी से। और बाप के क्या, बेटियों के भी बड़े अरमान होते हैं, और बाप के भी बड़े अरमान होते हैं कि मेरी बेटी, मेरी इज्जत, मेरी गैरत, मेरा फ़ख्र जब किसी घर में जाए तो वो इससे भी ज़्यादा प्यारी ज़िंदगी गुजारे, इससे भी ज़्यादा सुकून की ज़िंदगी गुजारे। लेकिन ये गुरबत ऐसी चक्की है जिसमें अच्छे से अच्छे लोग भी पिस चुके हैं, खूबसूरत लड़कियाँ पिस चुकी हैं। ऐसी ही एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनकी शादी हुई, मगर जैसा कि होता है अक्सर ससुरालों में, पहले जुल्म जहेज़ न लाने की सूरत में, या शादी के बाद कुछ न लाने की सूरत में पहले जुल्म होता है, और जब उस जुल्म से भी उनका दिल नहीं भरता तो जान से मारने की कोशिश की जाती है। एक आम औरत घर में रहने वाली जिसने खुद अपने बच्चों को पाला हो, वो कैसे किसी दूसरे के बच्चे को मार सकती है? कैसे दिल हमारे ऐसे हो जाते हैं? ऐसी ही एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रुबीना, जिनको आग में झुलसा दिया गया। उनका सिर्फ चेहरा ही नहीं, उनका जिस्म भी जल चुका, उनका दिल भी जल चुका। क्या तकलीफ और क्या अज़ियत उठाई होगी उस लड़की ने और उसके माँ बाप ने उसकी वो हालत देखकर। ये तकलीफ, ये अज़ियत कैसे सही, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ी और कैसे यहाँ तक पहुँची? बात करते हैं रुबीना से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। रुबीना, क्या सोच के जब शादी हो रही थी तो क्या सोचा था? जी मैम, मैं पहले जब मुझे जला दिया था जेस के हवाले से, तो फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो फिर मुसरत आपा वहाँ पे आई थी। मैं पहले मुझे ये बताया कि जब आपकी शादी हुई, जी जी, आप क्या सोच के उस घर में गई, क्या क्या सोचा था आपने, क्या क्या अरमान थे आपके? उस वक्त मेरे जो उम्र था वो 14 साल की थी। 14 साल में पढ़ती थी उस वक्त हाफिज़ कुरान बनने के लिए, यानी कि मेरे पापा जो है वो मौलवी है, तो फिर मैं हाफिज़ कुरान है जी, नहीं कुरान हिफ्ज़ कर रही थी जी जी। तो फिर अब्बू ने जैसे रिश्ता आया ना, तो फिर अब्बू ने शादी करवा दी, लेकिन मुझे शादी का भी नहीं पता कि शादी किस तरह होती, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ। 14 साल की उम्र में सबसे ज्यादा क्रूर ना इंसान है। सिर्फ यही मेरा यही कसूर था, सिर्फ जेस नहीं दिया था, बहुत कम दिया था, यानी कि मोटरसाइकिल, फ्रीजर नहीं दिया था, इसी वजह से मुझे जला दिया था पेट्रोल डाल के। बहन, मैं आपको मजीद उस वाक़े की तरफ नहीं लेके जाना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उनका जलाने का तरीका क्या था? पेतजाब फेंका गया था या आपको? नहीं, पेट्रोल डाल के आग लगाई। अल्लाह अकबर। चालीस % जल गई थी मैं, यानी कि दिल की जो जगह है वो भी जल गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया किस तरह बची हूँ।
ऐसे लोग होते हैं कि कैसे सोच लेते हैं। मेरा हाथ जला था जब मैं छोटी थी, इतना सा जला था मेरा हाथ, गरम गरम कस्टर्ड गिरा था, और मैं वो अजियत, वो तकलीफ़ नहीं भूल सकती कि मैं इतने से हाथ जले हुए में मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी। मेरी कोई अगर मक्खी या मच्छर को भी आके बैठ जाता था ना, तो मुझे लगता था जैसे किसी ने दोबारा आग लगा दी है। पूरी पूरी रात मेरी माँ जाग के पंखा चलती रहती थी मेरे हाथ पे, इतनी जलन होती थी, इतना छोटा सा जला हुआ था मेरा हाथ, पेट्रोल डाक के हाल, और मेरी चीखें ऐसी थी कि मोहल्ले के पता नहीं कितनी गलियों तक गई थी सिर्फ इतने से हाथ जलने पर। जवेरिया, सिर्फ वो लोग नहीं है जो जो आस पास के वो लोग जो चुप रहते हैं, जिनको पता होता है कि उनके उनके मोहल्ले में या उनके पड़ोस में ये सब कुछ हो रहा है और वो भी खामोश है, मेरा ख्याल है वो भी इस जुल्म में बराबर के शरीक है। जो जुल्म को खामोशी के साथ सहता है वो भी, जो जानता है कि उसके उसके नेबर्स में, आप सब अगर कहीं भी ये जुल्म होता हुआ देख रहे हैं, आप सब इसमें बराबर के मुजरिम हैं। आपकी तकलीफों का अंदाज़ा हम तो बिल्कुल लगा ही नहीं सकते। और जब उसने आग लगा दी थी ना, तो फिर मुझे कमरे में बंद करके चले गए थे वो, कि मर जाए यहाँ पे। तड़प तड़प। और कहाँ है वो लोग अब? है, अभी भी है, वहीं पर है, कराची में मौजूद है। और कोई उनको सजा नहीं हुई? सजा तो हुई थी, लेकिन जज ने खुद ही माफ कर दिया था उन्हें। ये माफी? हाँ, जज ने माफ कर दिया था जी। जज ने माफ कर दिया था? किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? बस यानी कि जैसे मैं बार बार पेशी में पेश हूँ, लेकिन तुम यकीन करो अल्लाह के पास उनके लिए बहुत बड़ी सजा मौजूद होगी इंशाल्लाह। हम भी देखेंगे और तुम भी देखोगी हशर में, जब वो लोग खड़े होंगे और उनको उनकी सजाएं। लेकिन नहीं, हशर में तो दोज़ख की आग जो होगी ना, हशर में तो हशर में देखेंगे, वो अल्लाह ने करना जो अल्लाह ने करना है, हमने क्या करना है यार, ऐसे कैसे छोड़ दिया? सिस्टम जो मुसरत आपा कर रही है, जितना वो इम्पोर्टेंट है उतना सजा देना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सजा ही तो हमारा सिस्टम ही यही है बना। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जो कानून सबके बन, पाकिस्तान में हर चीज़ का कानून बना हुआ है, पौधे का भी बना हुआ है, जानवरों का भी बना हुआ है, लेकिन उसको लागू करने के लिए वो इतना स्लो हो जाता है, पेशियाँ पेशियाँ पेशियाँ। एक एक गरीब बाप अपनी बेटी का इलाज कराए या वो पेशियाँ लेकर आए, और यही तरीका कार होता है कि वो फिर हफ जा, ये तो मतलब मजबूरन को, मतलब ये भी एक चीज़ होती है कि, और फिर ये भी हो जाता है बेटे कि उनको कह देते हैं कि इन्होंने खुद ही जलाई होगी, मतलब वो इस तरह के एक क्रिएट कर देते हैं। जो FIR बच्चियां लिखवाती हैं या घर वाले लिखवाते हैं, वो बहुत कमजोर होती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको पता नहीं, वो इस चीज का बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि नेचुरली वो सपोजिटली एक ज्यादा बड़ी फैमिली होगी, ज्यादा, और ये गरीब फैमिली होगी, गरीब को तो वैसे ही सप्रेस किया जाता है। गरीब भी है ना, तो इन बच्चियों को भी नहीं पता, और जो लिखने वाले होते हैं वो ये जरूर कहते हैं, जैसे मैं पंजाब में बहुत ज्यादा ये केसेस होते हैं, वो कहते हैं की कितना सी जनाब, यानी कि वो उससे ये पूछ रहा है कि उसने किया उसने क्या, क्या, क्या किया जो इस किया, और अगर इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा अहद रमजान।